Hey guys, good morning. तो आज की जर्नी होने वाली है धारी देवी मंदिर की। धारी देवी जो है उत्तराखंड की रक्षक देवी है। धारी देवी का मंदिर गढ़वाल श्रीनगर में है और जो भी आता है केदारनाथ धाम या फिर बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए वो धारी देवी के दर्शन अवश्य करता है। जो आपने सुना होगा केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसका भी एक बड़ा कारण माना जाता है धारी देवी को अपने स्थान से जब दूसरे स्थान पर रखा गया, क्योंकि वहाँ पे एक डैम बनाया गया तो माता का स्थान बदला गया। तो ये भी कहा जाता है कि माता का क्रोध था और ये जो है जो केदारनाथ की जो आपदा आई थी वो आपदा हमको झेलनी पड़ी। तो उस समय फॉर द टाइम बीइंग माता को एक दूसरे स्थान पर रखा गया। जो माता का स्थान था उसके ऊपर ही उनको स्थित किया गया, थोड़ा साइड में किया गया था, क्योंकि फिर माता का एक भव्य मंदिर का निर्माण होना था और उसमें माता को पुनः स्थापित करना था। तो इसके लिए अब जो मंदिर है उसका निर्माण हो चुका है और माता को दोबारा से वहाँ पे अपनी जो ओरिजिनल पोजिशन है उसी पे ही स्थित कर दिया गया है। ओरिजिनल पोजिशन तो नहीं कह सकते क्योंकि जो ओरिजिनल पोजिशन थी वो तो पानी के नीचे उड़ चुकी है, लेकिन बिल्कुल उसी पोजिशन पे बस वर्टिकली अप कर दिया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि वो मंदिर कैसे बनाया है। तो सुबह के बजे है इस समय पे तकरीबन 6:30 और अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आज है हिंदू नववर्ष का पहला दिन, तो सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज नववर्ष की हम जो शुभकामनाएँ लेने जा रहे हैं और जो नववर्ष की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं धारी देवी के दर्शन से। तो ये धारी देवी मंदिर का एंट्रेंस, यहाँ से आप प्रसाद लीजिए, बाहरी प्रसाद आपको मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर पहाड़, जय माँ धारी। जय माँ धारी देवी। यह पहला व्यू, सबसे पहले माता का मंदिर। जय हो। तो ये मंदिर है जो बिल्कुल आप देख रहे हैं, बड़ा सा मंदिर है और बगल में ही आप देख रहे हैं टीन शेड का मंदिर है। तो पहले माता का मंदिर वहाँ पे टेम्पररी रूप में स्थापित किया गया था जब माता को फर्स्ट टाइम वो अपनी जगह से चेंज किया गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब जो है साइड में जो मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसमें जो है माता को दोबारा से पुनः स्थापित किया गया है, सुशोभित किया गया है। और बिल्कुल उसी ही लोकेशन पे जस्ट नीचे माता का पहले मंदिर था। उस समय तक जो पानी था वो मतलब इतना पानी रहता था कि आराम से आप मंदिर विजिट कर सकते थे, लेकिन अब देखिए डैम वैम बनाने के चक्कर में पूरा जो है कितना वाइड कर दिया गया है इस रिवर को। ये भैरव का मंदिर है। तो पहले धारी देवी के मंदिर में जाएंगे, उसके बाद लौटते हुए भैरव के मंदिर में भी जाएंगे। जय माता की, बोलो जय माता की। हाँ इधर आओ। प्रसाद ले लिया। ये कैमरे से बनाएंगे आप फोटो? नहीं भैया, ना ना यार, इसी को अच्छा कर देते हैं। जय हो। जय धारी देवी। जय अम्बे गौरी मैया। जय धारी माता। जय माँ धारी देवी की जय हो। तो ये है नया मंदिर। जय माता की जय। Thank you.
सामी बाय। चलो मैं एक बार लेता हूँ जय माता की। वैसे तो जी न्यूज से हैं। जय जय माता की जय जय माता की जय जय माता की। ओ भाई भंडारे की तैयारी कर रहा, पता नहीं कब आया। यहाँ पे भंडारे की तैयारी हो रही है। तो रोज चलता है भंडारा भैया? आजकल रोज चलेगा जी। अच्छा, अब कब से शुरू होता है? शुरू होने वाला है तो भोग जा रखा अंदर। अच्छा अच्छा, भोग लगाएंगे आएगा। क्या क्या है आज भंडारे में? सब्जी है। अच्छा, झोल है, आलू, आलू का झोल और ये पूरी है। अरे वाह, मजा आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये एक पुल है, देखिए बहुत पुराना पुल है ये। ये यहाँ से फिर जो दूसरा गांव पड़ता है उसे जोड़ता है। और ये धारी देवी मंदिर, हिला हिला, भागो मत भागो मत, आराम आराम से आओ। काम भी चल रहा है इसको। है हम जाएंगे पास से। हाँ, सानू को ले जाएंगे कार में। वी वन टू थ्री वी। सुंदर दृश्य। और ये माता का मंदिर, ये ब्रिज, और ये नदी, तो हरा पानी। तो यहाँ पे भंडारा लग गया है आज के। भंडारा आयोजित कराया है और आजकल रोज भंडारे यहाँ पे हो रहे हैं। काले चने, थोड़ा जल्दी आ गए थे तो हम लोगों ने पूजा भी टाइम से करवा ली है। जय हो, जय भगवान जी, जय माता दी देवी की जय हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये भंडारा आज का। चलिए हम अपना खरते हैं खत्म भंडारा, उसके बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और माता के दर्शन करने के बाद ये हैं जय अघोनाथ भैरव बाबा, अब हम इनके दर्शन करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। ये भैरव बाबा का मंदिर। जय जय भैरव बाबा की, जय भैरव बाबा जी। चलो जय माँ धारी देवी।